प्रणाम सर जी। सर ये नौटंकी करने की जरूरत रहा है, मैं बता रहा हूँ गुलछर्रे उड़ाने के पैसे ना देता हूँ मैं तुझे। नहीं सर जी, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, हम तो बल्कि अपना फर्ज निभा रहे थे। कौन सा फर्ज निभा रहा है तू? इलायची जी की मदद करके। इलायची, उसे क्या जरूरत पड़ गई? सेठ जी दरअसल क्या है कि उन्हें एक लड़के ने धोखा दिया है और उनका बहुत बुरी तरह से दिल टूट गया। मेरी बच्ची का दिल तोड़ दिया? कौन है जिसने मेरी बच्ची का दिल तोड़ा है? कौन है? धन सेठ जी पंचम, सुन, इलायची से कोई भी बात निकलवाना इतना आसान ना है, ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। कैसे भी करके उस लड़के का नाम पता लगा ले। सर जी हम कोशिश करेंगे सर जी पूरी। इलायची के पापा। प्रणाम आंटी जी। यहाँ क्या कर रहे हो? तू मेरा पीछा कर रही है? देखो इलायची के पापा, मुंह फुला के यहाँ चले आए, ठंड में यू टहलने से गुस्सा ना जम जाएगा। गुस्सा ना कर रहा हूँ मैं सेंटेंस अपने हिसाब पता पूछ रहा था बस। सर जी पंचम। हाँ भाई चल जी। मैं तू कहाँ जा रहा है? आप ही तो बोला। मैं इससे कह रहा हूँ ये चल बात कर रहा है चल। तुम जाओ मैं आ रही हूँ, वो चादर उठा लेती हूँ उसमें गिल्ली हो जाएगी। चल ठीक है। हसन अगली बार से हिसाब किताब एकदम बराबर चाहिए मुझे, समझ रहे हो? अब तू भी जल्दी नीचे आ जाइयो वरना ठंड लग जाएगी। चल। और आंटी जी कैसी हैं आप? पिंडू को भेजो जरा, दो मिनट काम है मुझे। पर वो कहाँ खो ये? पति मिल गया तो बेस्ट फ्रेंड को भूल गई? ऐसा कुछ नहीं है यार। वो क्या है ना, जीजा जी ने मुझे बहुत टाइम बाद ऐसी प्यार भरी केयर भरी नजरों से देखा है, वरना तो हमेशा से आटने के लिए पीछे दौड़ते हैं कनखचूरे कहीं के। भाई जिस हिसाब से तू बदमाशियां करती है ना, शुक्र मना सिर्फ काटने दौड़ते हैं, कोई और होता ना तो पक्का अब तक तुझे कच्चा चबाने का प्रोग्राम बना गया होता। ये देखो घर में इतने सारे दुश्मन बाल रखे हैं तो बाहर से उठा के लाने की क्या जरूरत है? ओ हेलो, मैं ना सच्ची वाली फ्रेंड हूँ, इसलिए कोई भी काम तेरे पीठ पीछे नहीं करती, तेरी बेइज्जती भी नहीं। और तेरी बेस्ट फ्रेंड की लव स्टोरी आगे बढ़ गई, उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है तुझे? सच्ची? मतलब मामला फिट हो गया? फिट ही समझ यार, मेरे प्यार की गर्मी ने जीजा जी को यूं पिघला दिया है। जीजा जी के पिघलने वाली सेल्फी। सुनो मैं तो डिसाइड कर लिया है कि रिस्क का लेवल अब बढ़ाया जाए। अब आप क्या करने वाले हो मैम? कुछ नहीं यार, देख टूटे हुए दिल की मरहम पट्टी तो हो गई, लेकिन पूरी लाइफ अकेले थोड़ी ना बिताई जाएगी, लाइफ पार्टनर तो चाहिए ना। मतलब? ओहो देख, मैं ना जीजा जी से कहूंगी नया प्यार ही मुझे पुरानी जिंदगी भुलाने में मदद कर सकता है। अब मुझे पता है कि जीजी का क्या जवाब होगा। अरे यार खुद तैयार हो जाएंगे मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए। टच वुड। इलू, जीजा जी के सेकंड टाइम लाइफ पार्टनर बनने वाली सेल्फी। ओए कुंभकरण उठ, आंटी जी बुला रही हैं, उन्हें कोई जरूरी बात करनी है तुझसे। आंटी जी बुला रही? आंटी जी आई, सेठ जी आए, बुढ़ापे पे इन लोगों को नींद तो आती ना, दूसरों को भी ना सोने दे रहे, क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता यार, आंटी को कोई आंटी वाली बातें करनी होंगी तेरे साथ, जाना बाहर। अरे चला जाऊं क्या ऐसे मुस्टंडा बनके चला जाऊं? पहले इंतजाम तो करने दे, इमरजेंसी वाली सेवा कहां गई बिंदी? ये देख सही लग गई। हाँ सही सब सही। एक मिनट, तू जानता ना कितने, ये देख इमरजेंसी सेवा। हाँ लग गई। हाँ सही है सही सब सही। अब देख कुछ दिख तो ना रहा है? अबे कुछ ना दिख रहा, जा। अरे क्यों मारे हो? मारे ठंड में कुकड़ी बांधी आपने, मार मार के क्यों मार रही हो? पिंटू ये कंबल क्यों ओढ़ रखा है तूने? अरे तू क्या ओढ़ है? मारी ठंड में कुकड़ी बांधी है, और हमारे पास मोटे मोटे स्वेटर था ना, ऊपर से गुग्गू से भी झगड़ा चल रहा, नहीं तुम अपना आपस में ठंड। हाथ लाओ ये 10,000 रख लो।
10,000? ओह समझ गई मैं, मतलब छटंकी जी ने दाल का डब्बा भी देख लिया है। कोई बात ना आंटी जी, ये समझ लो आपके 10,000 हमारे पास एकदम सुरक्षित रखे, आपका पैसा हमारा पैसा। अरे नहीं, ये 10,000 तुम रखो और पंचम को लेके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। हाँ चले जाए आंटी, ये क्या बोल रही हो आप? देख पिंटू, मैं कुछ ना बता पाऊंगी, बस इतना समझ ले कि तड़के पंचम को लेके दिल्ली छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना और दोबारा कभी वापस मत आना। मेरे तो भाग ही फूट गए। दस हजार मेरे तो भाग ही खुल गए। आ गया साला, बंद कर बंद कर बंद कर। अरे 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 भैया। हाँ क्या हुआ, क्या जरूरी बात करनी थी आंटी जी को? अबे पकड़, 10,000 रुपए आंटी जी देके गई। 10,000 रुपए आंटी जी क्यों देकर गई? पता नहीं, बोली 10,000 पकड़ो और कल सुबह तड़के दोनों लोग घर छोड़ के चले जाओ। क्या बोल रहे बे? अब एक सेकेंड, तो फिर से कोई बदमाशी करके आया साले? फिर से कोई लड़की छेड़ दी तूने? ओ भाई तुझे मेरी हालत देख के लग रहा है कि मैं कोई लड़की छेड़ूंगा? अबे आजकल तो मोहल्ले के लोग मुझे छेड़ रहे हैं। अबे तो आंटी जी इतनी मोटी रकम क्यों देके गई हैं हमें घर से बाहर निकालने के लिए? मैंने फिल्मों में देखा है कि हीरोइन का अमीर बाप जो है ना, जब गरीब लड़के को अपनी बेटी से दूर जाने को कहता है तो एक ब्लैंक चेक देता है या फिर नोटों की मोटी गड्डी। साला हम शक्ल से ऐसे गरीब लगते हैं, आंटी जी मैं 10,000 में ही निपटा गई। अबे तो जिसकी जितनी औकात है उतना देंगी ना, ये ले जाके उन्हें देकर आ। देख भाई, घर आई लक्ष्मी को वापस नहीं करते, तू सो जा, अब मुझे भी सोने दे, जो होगा कल देखा जाएगा। ओके बाबू, गुड नाइट। अरे भैया जी, पालक हरी है ना? हाँ हरी है। चल 6 किलो भर दे। 6 किलो? हाँ 6 किलो। क्या हुआ भाई, घर में गाय भैंस पाल ली क्या? अरे भाई तेरे को क्या करने का है, भर दे 6 किलो पालक, तेरे को जितना काम बोले उतना कर। अरे पंचम कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बस मैं तो बढ़िया हूँ। इलायची कहाँ है? वो हम आपको बताते हैं, पहले आप ये बताइए कि आप ये 6 किलो पालक का क्या करेंगे? मैं लहंगा बना के पहनूंगा। क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो पंचम, पालक तो खाऊंगा ना। पर 6 किलो पालक कौन खाता है? मैं समझाता हूँ, इस समय मेरे पापा का जो मिठाई का बिजनेस है ना, लॉस चल रहा है, तो साइड बिजनेस सरिया का खोला है उन्होंने। सरिया का साइड बिजनेस? हाँ। और आपको पालक बहुत पसंद है? हाँ। आपका फेवरेट रंग हरा है? हाँ, तभी तो मैं पालक खाता हूँ। हाँ। मतलब आप वही लड़के हैं? कौन से लड़के? इलायची जी के? मैं तो वही इलायची का फेवरेट। ओके ओके, समझ गए हम, आप फेवरेट हैं इलायची जी के। आज समझ में आया कि बड़े बूढ़ों ने सही कहावत कही थी। कौन सी? लंगूर के मुंह में अंगूर। टन भी ना, आजकल बहुत आवारा गर्दी सूझ रही है इसे। अब देखो, अब आने दो, इसकी तनख्वाह ना काटी तो मेरा भी नाम ना। कहाँ से आ रही तुम्हारी, आलू चाट खा के या शकरकंदी? हम समझे नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अबे तू समझेगा कैसे, कहाँ गायब हो जाता है दुकान से अचानक, और चाट से जरूरी काम कोई हो ना सकता, इसलिए गायब हो जाता है। नहीं नहीं सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। अरे मैं क्या गलत समझ रहा हूँ, मैं सब समझा रहा हूँ। तेरा मन ना लग रहा है आजकल दुकान में, मैं देख रहा हूँ बहुत। और सर इस बार तेरी तनख्वाह से आधी तनख्वाह काट लूंगा, बता रहा हूँ मैं। सेठ जी अभी आपको ऐसी खबर देने वाले हैं कि आप हमारी तनख्वाह सीधी दुगनी कर देंगे। अबे ये तो कभी होने वाला ना है, फिर भी तू बता दे। चल लगी शर्त? चल लगी। सेठ जी हमें पता चल गया कि इलायची जी का दिल किस लड़के ने तोड़ा था। पता चल गया तुझे? जी। तो पता जल्दी कौन है? आप सेठ जी, आपको पता है जब पहली बार हमने उस लड़के को देखा ना, तो हम यकीन ही नहीं कर पाए कि ये इलायची जी की पसंद है। अबे जो भी है पसंद है ठीक है, लेकिन मुझे बता तू ऐसे को बता रहा है, जल्दी बता।
समा बांध रहा है क्या? यहाँ कोई महफिल जमी हुई है, जल्दी बता। सेठ जी, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने उन्हें पहचाना कैसे। हमने ना उन्हें ठेले पे ना 6 किलो पालक खरीदते हुए देखा और हम समझ गए कि ये वही लड़का है। अबे जल्दी बताना नाम क्या, जल्दी बता मुझे। हाँ सेठ जी, हम बता रहे हैं, हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही आप इस लड़के से मिले ना, हम चाहते हैं आप इलायची जी और इनकी सुलह करा दे और इनके कभी झगड़े नहीं होंगे। अबे मैं कह रहा हूँ तुझसे, जल्दी बता, अगर तूने अभी ना बताया ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी और मेरी सुलह कभी ना हो पाएगी। अरे सेठ जी, हम छुपाना थोड़ी ना चाहते, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इनकी शादी करवाइए ताकि बाद में अगर लड़ाई। अरे अरे बता रहे हैं, ओके बता रहे हैं, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं सेठ जी, बता रहे हैं, आप बस इनकी सुलह करवा दीजिएगा। और वो दीक्षित का लड़का संजू है। संजू जी? संजू से इलायची? हाँ। संजू अपना संजू ना जी? अरे वाह वाह वाह, मोटा। हाँ हाँ, अपना घर का बच्चा है वो। हाँ। बिल्कुल घर का बच्चा है। हाँ, वही देखा वाला बच्चा है। हाँ, संजू मुझे तो डरता कि कोई गुंडा मवाली ना हो। अरे ये तो अपने घर का निकला संजू। वैसे संजू जी, लाइसी जी की भी पसंद काफी कमाल की नहीं? अरे हाँ, पसंद अच्छी है जी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सारी प्रॉपर्टी संजू के नाम कर दूँ। अब देखियो, शादी की शहनाई बजेगी और दूर दूर तक उसकी आवाज गूंजेगी। सेठ जी, बहुत जोर से मारा आपने। और मेरे ना मारा तूने, पर आप तो चबी चबी है ना। अबे संजू सुनो, ये ले, मुझसे नहीं होनी यार पढ़ाई। अरे जैसी बुक खोल रहे हो ना, चीचा जी ना हर पन्ने में दिखाई दे रहे हैं यार। तो जो तुम्हें ये भी नहीं कह सकते कि पढ़ ले वरना हम फेल हो जाएंगे, हमने तो ऐवे ही फेल हो जाना है। सुनो यार, तुझे नहीं पता, पहला प्यार दूसरी बार अपने ही पति से एक अलग ही फीलिंग है यार। भाई फिर तो पूरा का पूरा रिलेशनशिप ही ना अलग से भी ज्यादा ही अलग है। ये लो दूसरी बार प्यार होने वाली सेल्फी। राम इलायची जी। जी आइए ना। क्या हुआ जीजा जी, आपका भी काम में मन नहीं लग रहा है, मतलब आप दुकान नहीं गए? नहीं नहीं इलायची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है कि हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी अभी इसी वक्त। ओह, मुझे ना पिंटू भाभी ने फेशियल करने बुलाया था तो मैं चलती हूँ। आप पर पिंटू ऊपर नहीं है? नहीं है, ठीक है तो मैं उनके फोटो की फेशियल कर देती हूँ जाके। बाय बाय। ओके। अब जीजा जी आप बताइए ना प्लीज। दरअसल क्या है लाइसी जी, हम आपको ये बताना चाहते थे कि हम आपका दर्द समझते हैं और हम समझते हैं कि किसी की यादों में रहना कितना तकलीफदेह है। और इलायची जी, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी एक रंग से नफरत नहीं करनी चाहिए, आपको दोबारा अपनी जिंदगी को रंग बिरंगी बनाना ही होगा। आप सही बोल रहे हैं जीजा जी, मैं भी यही सोच रही थी कि हरियाली और रास्ता छोड़ के मुझे रंगीला पिक्चर देखनी चाहिए। बिल्कुल इलायची जी, और आपकी जिंदगी में एक खोई हुई हंसी वापस लाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आपकी जिंदगी में वो इंसान आना जरूरी है जो आपकी एक खोई हुई हंसी वापस ला सकता है, जो आपको ये जीने का मकसद दे सकता है। इलायची जी, अभी आप जवान हैं, आपका हक है कि आप दोबारा प्यार करें, है कि नहीं? हाँ हाँ, मेरे जैसी आइटम सिंगर है, ये तो अन्याय है। बिल्कुल भी न्याय नहीं है इलायची जी, इसलिए हम आपको दुख में नहीं देख पाते हैं। और इलायची जी, वैसे भी आप हमारे सेठ जी की बेटी हैं और हमारा फर्ज है। हाँ हाँ, जानती हूँ आपका फर्ज है। आगे आगे बोलिए, आगे जी। इलायची जी, हमने फैसला कर लिया है कि आपकी एक खोई हुई हंसी हम वापस ला कर ही रहेंगे। Really? जी, आपको जान के काफी खुशी होगी कि हमने आपका पालक खाने वाला ढूंढ लिया है। पालक खाने वाला? कौन कौन पालक खाने वाला? संजू। इलायची जी, हमें सब पता चल गया है, संजू के पापा का सरिये का साइड बिजनेस है, इसीलिए वो पालक दबा के खरीद रहा था और इसीलिए उसे हरा रंग बहुत पसंद है। अब जीजा जी, नहीं इलायची जी, आपको पता है जब हमें पहली बार पता चला ना कि संजू, तो हम भी सोच में पड़ गए थे कि कैसा नमूना पसंद किया आपने। जीजा जी, आप गलत समझ रहे हैं। इलायची जी सुनिए, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमने आपके पापा से बात कर ली है और वो संजू को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बल्कि वो तो ये जान के काफी खुश हो क्योंकि संजू उनके बेटे की तरह है ना। आपको ये भी जान के काफी खुशी होगी कि वो अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए भी तैयार हो गए हैं संजू को। क्या किया आपने? क्यों? गलत जगह मेरा कनेक्शन जोड़ दिया।
अरे यार छोटा सा मजाक कर रहे थे, आपने सब पापा को बता दिया। क्या हुआ एलाइची जी, कौन सा मजाक? यही कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरा बॉयफ्रेंड कोई पालक खाने वाला बंदा था, मजाक था जीजा जी, और अब पापा वो संजू को अपना बेटा बनाने वाले और अब मेरी हिस्से की इज्जत उसको देने वाले, मतलब ये क्या कर दिया आपने? आपको छोड़ूंगी नहीं, लाइफ में कंटे हो रखे हैं। मतलब एलाइची जी ने हमारा फिर से पीफ को बनाया? साला हम ही एक नंबर के गधे हैं। हाँ तो यार, फिर से हमारी भावनाओं के साथ खेल दिया एलाइची जी ने। एक बार ही खेले ना, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है पर ये नहीं हो सकती। एलाइची ना पालक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? बता रहा हूँ मैं तुझे, आज तेरे शरीर से सारा पालक निकाल दूंगा, वो भी बिना पालक के। अंकल मुझे छोड़ दो, नहीं तो पापा को बोल दूंगा। अबे तेरा पापा कोई कलेक्टर हो रखा है जिससे मैं डरूंगा? अरे गधे जैसी शक्ल वाले लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया, अरे जबकि इसे तो उसे खूंटे से बांध कर रखना चाहिए था। अबे तू इलायची, इलायची का नाम मतलब बता रहे हो और इलायची के साथ? इलायची के साथ क्या संजू, इलायची खेलना छोड़ दो। अबे अब तो मैं खेलूंगा तेरे साथ, अस्पताल अस्पताल, जमीन से बाहर निकला ना और इलायची के साथ बगिया सजाएगा। जी जी शर्मा जी, हाँ वो हम ऑल्टर करा के आपको भेज तेरी शाम तक। हाँ हम आपसे बाद में बात करते हैं। दुकान को तूने क्या समझ रखा? चल बात, आज कोई आके दिखाए मेरी दुकान का आराम से आराम। प्रणाम सेठ जी, क्या 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 हो गया आपको, कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे भाई इसे ढांचे आना चाहिए था, जो मेरी इलायची की जिंदगी में फोड़ा बन के उग रहा था ना, उस फोड़े को फोड़ के आ रहा हूँ। मतलब आपने इलायची जी का रिश्ता पक्का कर दिया क्या? अरे शगुन दे के आ रहा हूँ उसकी पीठ पे, इससे अच्छा दामाद मुझे कहाँ मिलता। बात कर रहा है बेकार की, जिसने मेरी इलायची का दिल तोड़ा है उसकी टांगे तोड़ के आ रहा हूँ मैं। आपने संजू भाई की पिटाई कर दी? ना ना, उसकी बारात का इंतजाम किया है मैंने। शादी में ना बदला जा सकता, मैंने बदला, देख मेरे 90 किलो की गलती मेरे घर में कैसे टहल रही है। अरे आप सेठ जी देखिए, अरे बेकार की बात मत कर, ये संजू जो है ना, ये संजू, ये आलू और अदरक की शक्ल वाला, इससे मैं अपनी बेटी का ब्याह कर देता, मजाक है क्या? अरे मजाक ही तो था। क्या इसका मतलब संजू ने इलायची के साथ प्यार करने का मजाक किया था? नहीं, देखा ये होती है खराब परवरिश की पैदाइश। अरे आजकल के बच्चे जो हैं, वो मजाक की मर्यादा को पार कर जाते हैं। अरे मेरी बात तो सुन ले भाई। सॉरी सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि सेठ जी इलायची जी ने मजाक किया था, इलायची जी। हाँ तभी तो मैंने, हाँ तो इसका मतलब मेरी परवरिश में गलती हो गई। अरे नहीं सेठ जी, आपकी परवरिश में कोई गलती नहीं है, वो तो आपकी बच्ची शरारती है, उनका कोई दिल नहीं टूटा, वो हमारा बेवकूफ बना रही थी। अरे टक सेठ जी पनापन, तेरा नाम तो कुछ और था, क्या फर्क पड़ता है? हाँ चल छोड़, मैं ये कह रहा हूँ कोई सस्ता हड्डियों को जोड़ने वाला डॉक्टर का नंबर है तेरे पास, जानवरों का भी चलेगा बता? नहीं हम नहीं जानते। जी क्या सुनने आऊँ ये मैं, तूने स्टंटन के साथ बेहूदा मजाक किया? सेठ जी पंचम, अबे तू चुप रह, वरना तेरी भी हड्डियां तोड़ दूंगा। ठीक है चुप है हम। पापा मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रही थी, उन्होंने ही सच समझ लिया। इलायची देख, अच्छे घराने की लड़कियां जो हैं वो नौकरों के साथ मजाक ना करती हैं, अब तेरे चक्कर में मैंने उस संजू की टांगे तोड़ दी। क्या आपने बेचारे संजू को क्यों कूट दिया? अरे वही किया जो एक बाप की, बाप का फर्ज होता है, वही करके आ रहा हूं मैं। अब मुझे क्या पता था कि ये खबर झूठी है? अरे अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में बंदूक ना थी, पर नाच गोली चल जाती, बता रहा हूं मैं। गॉड पापा हद होती है, एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। बेचारा संजू, उसे देख के आती हूं मैं। अबो चुगलखोर,
तेरे दिल में वो बात ठहरी ना, दर्द होने लगा तेरे पेट में। जब तक बात पक्की ना थी तूने क्यों बताई मुझे, थोड़ा शांत ना रह सकता था? तेरे चक्कर में देख संजू, संजू की टांगें तोड़ दी मैंने। तो सेठ जी, हमें क्या पता था कि इलायची जी हमारा करेला काट रही हैं? अबे तू बकवास मत कर, मैं बता रहा हूँ तुझे, ये सब तेरे चक्कर में हुआ है। संजू देख कैसे उसकी टांगें टूट गई, भगवान तुझे कभी माफ ना करेगा, तुझे इसकी सजा मिल के रहेगी, मैं बता रहा हूँ। हमने क्या किया? प्रणाम आंटी जी। हेलो मामा जी, हमारी सेठ जी इसमें को एक बड़े बड़े तू संजू का बदला ले रही है ना, तो मार। अरे ये क्या भैया, जिस थाली में खा रहा है मैंने भैया उसी में छेद कर रहा है। के मान 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 मान। अरे क्यों बेल रहे आप लोग? सुनो सुनो, इस ढोंगी पंडित से दूर रहना। ये गलत सलत भविष्यवाणी करके लोगों को लूट लिया, ये साले पंडित नहीं तिहार जैसे भागवत कैदी है। चल बे, चल ना पत्ते खेलिए तू, चल। भैया क्या है? सॉरी, गलती हो गई। सॉरी, तू भी बोल दे, बोल बोल। सॉरी बेटा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं,